So let us do the last question of exercise, that is question number 40. Question says the distance of a particle moving on a circle of radius 12 meter measured from a fixed point on circle and measured along the circle is given by s equals to 2t cube. तो ना यहाँ पे एक पार्टिकल है और वो 12 मीटर के सर्कल पे सर्कुलर मोशन करता है ना, 12 मीटर के रेडियस वाले सर्कल पे सर्कुलर मोशन करता है. तो जो उसका पार्टिकल का हमको किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस दिया हुआ है कि सपोज यहाँ से स्टार्ट करता है तो टी टाइम पे अगर मैं टी की जगह 1 पुट करूँ तो टी की जगह 1 पुट करने में 2 मीटर चलेगा, ऐसे ऐसे करके वो ये सर्कुलर मोशन कवर करता है. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसका टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो रेशियो होगा ना वो बताओ कितना होगा. ठीक है, कितने टाइम पे? 2 सेकंड्स पे. तो अपन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, दोनों को डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा. तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी वेलोसिटी. तो क्यों हमको इसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वेलोसिटी क्या होता है? डी एस बाई डी टी, है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी इट्सेल्फ. तो हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, हमको वेलोसिटी मिल जाएगी. तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा 2t क्यूब का, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6t स्क्वायर. ठीक है ना, क्योंकि 3t स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 6t स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. वेलोसिटी आ गई मेरे पास. अब वेलोसिटी आ गई है तो मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर. वी निकाल चुके हैं हम. वी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की पावर 4. ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये आ गया, राइट. नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, 12 और 36 को कैंसिल करेंगे तो 3t की पावर 4 अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो हमको टी इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 4 सॉल्व करके 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया. कब? 2 सेकंड्स पे. ऐसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt. वी अपन निकाल चुके हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, सिंपल सी बात. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 12t और t की जगह 2 पुट कर देंगे तो 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया. दोनों को डिवाइड कर देंगे at और ac को, तो 1/2 अपना आंसर आ जाएगा. तो ये अपने ख़त्म हुए ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज मोशन इन प्लेन मॉड्यूल के. अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ इस प्ले लिस्ट को शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.